Welcome students, today's our topic is input by using scanner class. In this topic we will learn how we can create an object for scanner class and how we can accept the values as integer, double, float and string. Let's start. What is a scanner class? The scanner class is the latest development in Java which allows the user to read values of various types. Scanner हमारा एक नया तरह का Java development tool है जिसके help से हम user द्वारा दिए गए input values को read करते हैं. The scanner class is defined within a Java package util java.util.abstract. We have to import Java util package to perform the different tasks in scanner class. The process to import java.util package is as import space java.util.asterisk then semicolon. Create scanner class object. After importing java.util package, we have got facility to avail scanner class and create object which can hold a set of values of different types. Syntax to create scanner object is scanner sc, where sc is an object of a scanner class, is equal to new scanner system.in. The scanner class basically work on the principle of token in the input. What is token? A token is a series of characters that ends with delimiter. Some delimiters are comma, full stop, semicolon and white space. Methods to read tokens from scanner object. वो कौन-कौन से method हैं जिसकी help से हम scanner object से user से value को accept कर सकते हैं. First one is next int. It can be expressed as an integer and stored in integer type value. ये integer की तरह express किया जाता है और इस variable में integer की ही value store होती है. इसको लिखने का method क्या है? Syntax क्या है? Int then variable name is equal to scanner object dot next int parenthesis semicolon close. एग्जाम्पल्स हम इसको देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे स्कैनर sc is equal to new scanner system.in int p. यहाँ हमने p नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है और उसकी वैल्यू यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं. is equal to sc dot next int. int में i हमारा कैपिटल s पैरेंथेसिस देन सेमीकोलन. द वैल्यू p स्टोर एज एन इंटीजर थ्रू द ऑब्जेक्ट. जो वेरिएबल p इंटीजर वेरिएबल है उसमें इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी. नेक्स्ट फ्लोट मेथड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्लोटिंग टाइप एंड स्टोर इन फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल. सिंटैक्स फ्लोट स्पेस वेरिएबल नेम इज इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट फ्लोट. एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर sc is equal to new scanner system.in float p is equal to sc.next float. यहाँ पर p एक वेरिएबल है जो फ्लोटिंग टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसको इनपुट कराने के लिए हमने लिखा है sc.next float. फ्लोट में f कैपिटल है. फिर इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स द वेरिएबल p स्टोर अ फ्लोट वैल्यू थ्रू द स्कैनर ऑब्जेक्ट. मतलब p वेरिएबल स्कैनर ऑब्जेक्ट की हेल्प से फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को p में स्टोर कर रहा है. नेक्स्ट डबल. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डबल टाइप एंड स्टोर इन डबल टाइप वेरिएबल. इसको डबल टाइप के वेरिएबल के लिए हम एक्सप्रेस करते हैं और इसमें वेरिएबल में डबल टाइप की ही वैल्यू स्टोर होती है. सिंटैक्स क्या है इसको लिखने का? डबल variable name is equal to scanner object dot next double। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम स्कैनर क्लास को एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं स्कैनर एस सी इज इक्वल टू नेक्स्ट स्कैनर सिस्टम डॉट इन, उसके बाद डबल पी इज इक्वल टू एस सी नेक्स्ट डबल। यहाँ पर हमने एक पी वेरिएबल बनाया है जिसका डेटा टाइप डबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स द वेरिएबल पी स्टोर अ डबल वैल्यू थ्रू द स्कैनर ऑब्जेक्ट। स्कैनर ऑब्जेक्ट की हेल्प से पी वेरिएबल में हम डबल टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो डबल टाइप की वैल्यू स्टोर करने के लिए हम नेक्स्ट डबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड, दिस मेथड कैन रीड द इनपुट ओनली टिल द स्पेस, इट कैन नॉट रीड टू वर्ड सेपरेटेड बाय स्पेस। इस मेथड में हम किसी भी कैरेक्टर को तब तक रीड करते हैं जब तक हमको स्पेस नहीं मिल जाता है। अगर इसमें दो वर्ड ऐसे हैं जिसमें बीच में स्पेस आ रहा है तो वो उसको रीड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट मेथड प्लेसेस द कर्सर इन द सेम लाइन आफ्टर रीडिंग द इनपुट। जब हम फंक्शन की हेल्प से, मेथड की हेल्प से कोई वैल्यू को रीड कराते हैं तो इसको कर्सर को उसी लाइन पे रोक देता है, नेक्स्ट लाइन पे लेके नहीं आता है। जब नेक्स्ट वैल्यू हम रीड करते हैं तो सेम लाइन में ही रीड होती है। इसका सिंटैक्स क्या होगा हमारा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस जो है वो कैपिटल होता है, उसके बाद स्पेस देके वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एस सी स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, सबसे पहला हम स्कैनर क्लास को डिफाइन करेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग पी इज इक्वल टू एस सी नेक्स्ट, उसके बाद पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। It can be expressed as a string type and stored in string type variable। P में हमारी एक string type की ही value store होगी। Next line method reads input including space between the words। अगर कोई sentence हमारा पूरा लिखा हुआ है और उनके बीच में space भी है तो वो पूरे sentence को नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से हम रीड कर सकते हैं। इट रीड टिल द एंड ऑफ लाइन, जहाँ पर लाइन एंड हो रही होती है तब तक हम उस वैल्यू को रीड कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से। इसका सिंटैक्स क्या है लिखने के लिए, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इज इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, एस सी नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग पी। पी जो है स्ट्रिंग लिखा है, यानी कि स्ट्रिंग पी वेरिएबल जो है स्ट्रिंग टाइप का हो गया। एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन मैथड हमने लगा दिया। तो अब इसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट करा सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्ट्रिंग टाइप and store in string type variable। So that's all for today. Hope you liked this video. We will meet in the next part of this video with some more important questions. Till then, bye bye. Stay home, stay safe.